हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। मेन के व्यू से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे डेटाज हैं बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो रहा होगा, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मतलब हम लोगों का जो एनवायरमेंट है, चाहे एनिमल्स का हो चाहे हमारी अर्थ का हो, वो किस तरह का है। इस चैप्टर में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और मेनली पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूटेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से हम लोगों ने या अर्थ ने, मतलब किसी कंडीशंस ने अर्थ को पॉल्यूटेड किया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है अर्थ सिस्टम। अर्थ सिस्टम क्या है? हम लोगों की जो अर्थ है उस पर किस किस तरह के सिस्टम्स हैं, किस किस तरह के कौन कंडीशंस हैं, उनको हम लोगों ने फोर पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप लोग अर्थ सिस्टम। अर्थ सिस्टम को फर्स्ट पार्ट है एटमॉस्फियर, सेकंड हाइड्रोस्फियर, थर्ड लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर। फोर्थ पार्ट एटमॉस्फियर तो क्या है कि हमारे चारों तरफ जो अर्थ के चारों तरफ जो एयर का जो लेयर है, एयर की लेयर है, वो है एटमॉस्फियर। चाहे उसमें कंपोजिशन क्या भी कुछ भी हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रो वाटर से है। अर्थ पे जो वाटर सिस्टम है, चाहे वो सी का हो, मतलब समुद्र का हो, या फिर वो किसी रिवर सिस्टम से रिलेटेड हो, ये जितना भी जो वाटर से रिलेटेड सिस्टम है वो हाइड्रोस्फियर में आता है। वाटर पोर्शन ऑन अर्थ जैसा भी जिस भी तरीके से है वो सारा का सारा हाइड्रोस्फियर है। थर्ड है लिथोस्फियर। अर्थ पर एटमॉस्फियर तो अर्थ का सराउंडेड पार्ट है, अर्थ पर हाइड्रोस्फियर है। हाइड्रोस्फियर के अलावा जो पोर्शन बचता है वो लिथोस्फियर है। जो जमीन बचती है वो लिथोस्फियर के में हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक्सेप्ट हाइड्रोस्फियर रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फियर। नेक्स्ट है बायोस्फियर। अर्थ पर जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम हो या तुम हो, या कोई एनिमल हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी, अगर प्लांट्स भी उसी के अंदर है, प्लांट्स हो एनिमल्स हो, वो सारा का सारा जो पोर्शन है वो हम लोग पढ़ते हैं बायोस्फियर में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एटमॉस्फियर की बात करेंगे, फिर पॉल्यूशन की बात करेंगे। यहां तक तो आप लोग लिखिए, फिर आता हूं मैं एटमॉस्फेयर और उसके किस तरीके से पार्टीशंस किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। लिखो इसे, कंप्लीट करो, मिटा रहा हूं इसे तुम्हें। हम बात करते हैं पहले एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर और पॉल्यूशन के बारे में ही मेनली हम लोगों को इस पे चैप्टर में पढ़ना है। आपको ये बता ही दिया एटमॉस्फेयर तो क्या है कि अर्थ के चारों और जो गैसेस का जो एयर का जो लेयर है वही एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर है क्यों? क्योंकि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो गैसेस को अपनी ओर, देखो वैसे आप लोगों ने लॉ पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें तो ये बताया था ना कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है उस पर ग्रेविटी अप्लाई नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आइडियल गैस है उस पर नहीं होती होगी, लेकिन ऐसे कोई भी गैस आइडियल नहीं होती है। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं उनको ग्रेविटी अट्रैक्ट करके रखती है और चारों तरफ जो लेयर है, एयर की लेयर, वो बरकरार रहती है। मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? मून पर भी तो गैसेस रिलीज होती हैं, वहां भी तो CO2 रिलीज होती है, H2 रिलीज हो सकती है, बट वहां गैसेस क्यों नहीं है? कि मून की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उन गैसेस को अट्रैक्ट करके रख सकें, तो वो बिल्कुल निकल जाती है बाहर। अर्थ की ग्रेविटी इस लायक है कि जो गैसेस हैं उनको पकड़ के रख सके, एक अपना एक एटमॉस्फेयर हो। एटमॉस्फेयर उन्हीं प्लेनेट्स का होता है जिनमें ग्रेविटी एक ठीक ठाक लेवल पर हो, उनका सबका कोई वैल्यू होती है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है, पर अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही उसका एटमॉस्फेयर है और जो गैसेज रिलीज होती हैं वो बाहर नहीं निकलेगी, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर नहीं निकलती है। एटमॉस्फेयर एक प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के लिए। कैसे? कि बाहर से आने वाले जो स्ट्रेट्स हैं वो
एटमॉस्फेयर में जैसे ही एंटर होते हैं तो इतनी हाई स्पीड पर वो अर्थ की ओर आएंगे ग्रेविटी के कारण कि एटमॉस्फेयर में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं उनके साथ में फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाएगी और जल के वो एटमॉस्फेयर में ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ ही एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एस्टेरॉइड्स जो अर्थ पर पहुंच पाते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर के कारण ही है। दूसरा, जो सन से जो रेडिएशन आती है वो एटमॉस्फेयर के कारण ही हम लोगों तक हार्मफुल रेडियस हम लोगों तक पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती। आती है थोड़ी बहुत तो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो हार्मफुल रेडियस जो हार्मफुल रेज हैं वो मेनली तो एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्व हो जाती हैं या रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये प्रोटेक्टिंग लेयर हमारे लिए है। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं उसके लिए भी एटमॉस्फेयर ही रेस्पॉन्सिबल है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो जो रेडिएशन आती है वो बिल्कुल अर्थ को गर्म करके रख सकती थी और यहाँ लाइफ पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट कहा जाता है कि ये हमारे अर्थ का प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट है। एटमॉस्फेयर डेफिनेशन लिख लीजिए, एटमॉस्फेयर इज द प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। क्लियर है। अब एटमॉस्फेयर को भी मेनली तो फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है या सी लेवल है, सी लेवल के रेस्पेक्ट में कितना कितना ऊपर कितना किलोमीटर तक क्या क्या दायरे माने गए हैं वो समझिएगा। सी लेवल से 10 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर में ही सारे ये जो आंधी तूफान चलना है सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में ही होते। हम ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं 10 किलोमीटर तक। कोई भी ऐसी माउंटेन नहीं है जो 10 किलोमीटर से ऊपर चले जाए। एवरेस्ट भी 8-8.5 किलोमीटर के आसपास ही होगा। अगर सी लेवल से बात करें तो 8.8 के आसपास एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है। मतलब सारा का सारा जितना भी ये जो उछल कूद है वो सारा इसी ट्रोपोस्फेयर में ही रहता है। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने कि डस्ट पार्टिकल्स इसमें रहेंगे, वो तो होंगे ही, आंधी धूल चलेंगी तो डस्ट पार्टिकल मेनली इसी स्फीयर में रहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, वाटर वेपर्स भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ होती है। ह्यूमिडिटी करंट क्लाउड्स वगैरह भी जो मेनली है वो इसी स्फीयर में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फीयर है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर। सी लेवल से 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इस दायरे को माना गया है, इस स्फीयर को माना गया है स्ट्रेटोस्फीयर। कंपैरेटिवली शांत है, कोई आंधी वगैरह नहीं। इन दोनों की बाउंड्री पर ठीक ठाक एक स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम, बट इससे ऊपर जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। इसी कारण इसमें मेनली जो है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और ओजोन भी है। ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की जो एरोप्लेन्स हैं या जेट जो होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वो इसी लेयर में स्ट्रेटोस्फेयर की जो लोअर वाली लेयर है इसी साइड में उनका यूज़ किया जाता है, इस लेयर का, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लाउड्स नहीं होंगे और बहुत ज़्यादा हवा की हलचल नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर का जो हाइट है अर्थ के चारों तरफ, 50 किलोमीटर से 85 किलोमीटर तक की जो हाइट है वो मीजोस्फेयर कहलाती है। ये कोल्डेस्ट होती है, सबसे ज़्यादा सर्द होती है। इसके टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक भी रहता है। इसमें भी कुछ गैसेस होती हैं, लेकिन गैस अब धीरे धीरे डेंसिटी ऊपर जाओगे तो कम होती जाएगी, नीचे डेंसिटी ज़्यादा है तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऊपर डेंसिटी कंपैरेटिवली काफ़ी कम होती है। फिर 85 से लेकर 500 किलोमीटर तक, और कुछ बुक्स में तो ज़्यादा भी लिखा हुआ है कि इस एरिया में, इस एरिया तो नहीं कहूँगा, इस हाइट पर थर्मोस्फेयर है। थर्मोस्फेयर में आयंस गैस होती, गैसेस बहुत कम हो गए भी यहाँ पर। लेकिन अब जो सन से जो आने वाले रेडिएशंस हैं वो यहाँ की गैसेस को आयोनाइज्ड कर देती हैं, इसलिए इसमें O2+, O+, नाइट्रोसोनियम प्लस, इस तरह की गैसेस इसमें होती हैं। यहाँ का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है, 500 से 2000
डिग्री सेल्सियस तक का यहाँ का टेम्परेचर होता है, क्योंकि रेडिएशन जो होती है काफी कुछ यहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है और आयोनाइज्ड फॉर्म में गैसेस इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और आयोनाइज्ड हो जाती है। सैटेलाइट्स के लिए ये ही रेंज जो होती है वो सुटेबल होती है, इस रेंज में ही सैटेलाइट के लिए को यूज के सैटेलाइट्स हम लोग जो छोड़ते हैं वो थर्मोस्फेयर वाली जो रेंज है उसी में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके आगे भी आयनोस्फेयर वगैरह एग्जोस्फेयर वाला पोर्शन है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो भी बहुत कम अमाउंट में वहाँ एयर है और वहाँ भी जो गामा रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आप लोगों को यहाँ बताने की कोशिश की है एटमॉस्फेयर के जो डिवाइड किया गया है, जो उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। इनके नेम लर्न कर लेना और कौन सी गैसेस किस एयर में, हालांकि नीचे तो हर तरह की गैसेस मिलती हैं, CO2 वगैरह गैस जो है वो मेनली नीचे ही मिलेगी, ऊपर की तरफ CO2 नहीं होती है, CO2 कंपैरेटिवली हैवी गैस होती है। ठीक है, अब बात तो मेनली इसी स्फीयर की चलेगी कि जो पॉल्यूशन है वो इसी स्फीयर में, हालांकि ऊपर भी पॉल्यूशन कर दिया हम लोगों ने, लेकिन जो मेन जो पॉल्यूशन है एयर का पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन जो भी है वो हम लोग ट्रोपोस्फीयर के ही पॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लिख लीजिए, इसके बाद में स्टार्ट करते हैं पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है और किस तरह से तुमने अर्थ को खत्म किया हुआ है, तुमने मतलब ह्यूमन बीइंग ने, और जो नेचर में होने वाला पॉल्यूशन है वो तो ठीक है लेकिन जो हम लोगों ने क्रिएट कर दिया है वो तो कुछ कम किया जा सकता है। चलो ठीक है, बात करते हैं, लिखो यहां तक। तो अब पॉल्यूशन को लेता हूं मैं, अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स की। पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन हो वही पॉल्यूटेंट है, चाहे वो सॉलिड में मतलब जैसे पानी के अंदर पॉल्यूशन हुआ किसी भी तरीके से, या सॉलिड हो सकता है लिक्विड हो सकता है, कोई भी ऐसा कंटेन जो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो पॉल्यूटेंट है। तो मैंने कुछ बताया है आपको, सॉलिड पॉल्यूटेंट हो सकता है, सॉलिड मेटल्स भी हो सकते हैं जो कि अर्थ पे मिट्टी विट्टी को जाके जो होता है वो सॉइल पॉल्यूशन करें। लिक्विड पॉल्यूटेंट बहुत से हो सकते हैं, लिक्विड पॉल्यूटेंट कितना सारा पेट्रोलियम है जो कि हम लोग वेस्ट कर देते हैं और सी में या चला जाता है, सी में तो मैंने बोल दिया है इसमें, या फिर वाटर के अंदर हम लोग लिक्विड पॉल्यूशंस को छोड़ देते हैं रिवर्स में तो वो भी वाटर पॉल्यूटेंट है। गैस पॉल्यूटेंट तो जानते ही हो, इंडस्ट्रीज से कितनी गैसियस पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, गैसेज निकल रही हैं, सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन गैसेज नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो कि एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं गैसेज के फॉर्म में। ठीक है, तो सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों तरह का हो सकता है। दूसरा, वो डिग्रेड होंगे कि नहीं होंगे उसके बेसिस पे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। हालांकि डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट तो फिर भी ठीक है, कुछ ही समय तक पॉल्यूशन करेंगे और फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या नेचुरल प्रोसेस से डिग्रेड हो जाएंगे और वापस ही अपने जो कार्बन के फॉर्म में है या मीथेन के फॉर्म में या किस फॉर्म में भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजॉल्व हो जाएंगे या ऑर्गेनिक कंपाउंड में या नेचर में डिजॉल्व हो जाएंगे। बट नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर्स तो काफ़ी समय तक कई डिकेड्स तक पड़े रहते हैं जो कि इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं। तो डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट विच आर रैपिडली ब्रेक डाउन बाय नेचुरल प्रोसेसेस, जो भी नेचुरल प्रोसेस हैं उनसे ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो वो तो क्या होते हैं, डिग्रेडेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए घरों से कचरा निकलता है, आपकी किचन से जो कचरा निकलता है चाहे उनमें सब्जी हो या और भी कुछ हो, ऐसा वेस्ट है वो भी आप नगर निगम की गाड़ी में डाल देते हो, वो भी कहीं ले जाके डालते ही हैं, तो अगर इस तरह का जब सभी किचन का जो पूरे शहर का किचन का कचरा एक जगह हो वो भी पॉल्यूशन का काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो डिग्रेडेबल पॉल्यूमर है, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, कुछ समय में वो नष्ट हो जाएगा और जमीन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नाम से पता पड़ रहा है, लिखा हुआ है रिमेन इन द एनवायरमेंट इन एन अनचेंज फॉर्म फॉर मैनी डिकेड्स, कई दशकों तक जमीन में पड़ा रहेगा, गलेगा भी नहीं सड़ेगा भी नहीं, बस वो पड़ा रहेगा, वेस्ट है, कोई यूजफुल नहीं है, नुकसान ही करेगा। जैसे DDT
डीडीटी मैंने पाउडर बताया था आप लोगों को, डीडीटी पेस्ट कंट्रोल में यूज किया जाता है, लेकिन ये डिजॉल्व नेचर में खत्म ही नहीं होता है। एक बार आप लोगों ने पेड़ पौधों पे डाल दिया कि हाँ भाई थोड़े से थोड़े मच्छर मच्छर से है ना हम लोग अपनी क्रॉप्स को सुरक्षित रख सकें, लेकिन वो जब मिट्टी में जाएगा तो डिग्रेड ही नहीं होगा, कई समय तक पड़ा रहेगा और नुकसान और करेगा। प्लास्टिक मटेरियल है, कोई नहीं गलता है, मिट्टी में पड़ा ही रहता है। न्यूक्लियर वेस्ट है, कई दशकों तक नहीं, कई सौ सालों तक ये पड़ा रहेगा, कई टाइम तक ये पड़ा रहता है। और ह्यूमन नेचर में या मतलब हमको या एनिमल्स को या प्लांट्स को नुकसान करते रहते हैं, तो ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूटेंट की हम लोग बात करते हैं, मेनली दो पार्ट, दो तरह पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फेरिक में जो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं और जो गैसेस फॉर्म में होते हैं, तो पहला है पार्टिकुलेटेड। पार्टिकुलेटेड में तो कई तरह के आ सकते हैं, ऐसे हो सकता है कि सॉलिड फॉर्म में हो, कोई डस्ट पार्टिकल हो, या ड्रॉपलेट एयर के में ड्रॉपलेट लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हो। मेनली पार्टिकल्स के, जैसे कि नाम इन्होंने बताया है पार्टिकुलेटेड, तो डस्ट हो सकता है, शूट हो सकती है, बिल्कुल मिस्ट हो सकता है, फॉर्म्स के फॉर्म में, फ्यूम्स के फॉर्म में ये एनवायरमेंट में फैल जाते हैं। ठीक है, ये तो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ अभी मैं। नेक्स्ट है गैसियस पॉल्यूटेंट, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। गैसियस पॉल्यूटेंट में ऑक्साइड्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, या तो नाइट्रोजन के सल्फर ऑक्साइड्स होंगे, या सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, या कार्बन के ऑक्साइड्स हैं, और भी कुछ ऑक्साइड्स हैं जो कि गैस के फॉर्म में पूरे के पूरे एयर में डिजॉल्व स्टोर में रहता है और जो लिविंग थिंग्स हैं उनको नुकसान पहुँचाते हैं। उनका एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, वहाँ तक तो हम लोग उसे सहन कर सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अमाउंट में हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोगों को नुकसान ही करेंगे। ठीक है, गैसियस पॉल्यूटेंट को मैं लेता हूँ वापस, कुछ उनके गैसेस के बारे में बताना है, कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज कौन सी है, उनके बारे में बात करेंगे। चलो यहाँ तक तो लिखिए, जल्दी लिखिए, सिंपल क्लासिफिकेशन ही है इस चैप्टर में। एक बार वापस गैसियस एयर पॉल्यूटेंट की बात करेंगे, जिनमें ध्यान दीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एंड कार्बन के ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एक एक पॉइंट को लेते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, देखिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर में सल्फर डाइऑक्साइड की बात करेंगे मेनली, तो वही है, वो ही सल्फर ट्राइऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाती है। जनरली फॉसिल फ्यूल से ये मिलता है, एयर में आता कहाँ से है, फॉसिल फ्यूल से। ठीक है, वहां से भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। पेपर इंडस्ट्रीज में पेपर का जो फॉर्मेशन किया जाता है उस मेथड में भी सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ओस का जब स्मेल्टिंग की जाती है, उनको मेल्ट किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के लिए, तो भी सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ओर्स में जो सल्फर, जैसे कि मान लीजिए कोई सल्फाइड के ओर है तो स्मेल्टिंग की जाती है तो H2S गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है, वो आगे कन्वर्ट भी हो जाती है ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में। तो इस तरह वॉल्केनोज से भी सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, तो वॉल्केनोज बहुत रेस्पॉन्सिबल हैं। कई बार क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा बाहर निकलती है वॉल्केनोज से, या आसपास में मान लीजिए कोई लेक वगैरह हो, कोई झील वगैरह हो, तो उसमें भी सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व होके, सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व होके सल्फ्यूरिक एसिड की लेक बन जाती है, पूरी की पूरी लेक ही, पूरी की पूरी झील ही सल्फ्यूरिक एसिड की हो जाती है। तो इतनी सल्फर डाइऑक्साइड गैस उसमें रिलीज होती है। वॉल्केनोज भी एक रेस्पॉन्सिबल, अच्छे खासे रेस्पॉन्सिबल्स हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड, एयर का जो पॉल्यूशन के लिए उसके लिए। हालांकि वॉल्केनोज हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये नहीं होते अर्थ पे तो अंदर से फॉसिल्स निकल के इतने नहीं आते, अंदर से इतना जो मटेरियल है, इतना जो मिनरल्स है वो बाहर अर्थ पे नहीं होता, एक ही जगह पड़ा रहता, पूरी अर्थ पे फैला हुआ है इन वॉल्केनोज के कारण ही। चलो वापस बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड किन किन रीजंस से एयर में मिलती है वो आपको मैंने बता दिया। अब सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जो ऑक्सीजन है या ओजोन है उनसे रिएक्शन करके सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है, डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर, फास्ट या स्लो रिएक्शंस के लिए।
किस तरह, मैंने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखी है, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशंस है। सल्फर डाइऑक्साइड एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन होकर स्पेसिफिक कंडीशन में सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंचाती है, ओजोन लेयर से भी स्पेसिफिक टेम्परेचर या रेडिएशन की प्रेजेंस में वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्शन करके भी सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होती है। अब ये सल्फर ट्राइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड किस तरह से हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं। उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में बात की है कि ये एयर पॉल्यूटेंट किस तरह से आप लोगों के लिए नुकसानदायक है। फर्स्ट हेडेक और वॉमिटिंग, अब ये ठीक है, पढ़ लो यार, सिर दर्द होने लगता है अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा हो तो, सबके लिए अलग अलग है। तो हेडेक होने लगेगा अगर कुछ किसी आप सल्फर डाइऑक्साइड के माहौल में बैठे हुए हैं। वॉमिटिंग होगी, इरिटेशन होता है, आईज में जलन मचने लगती है क्योंकि आईज में डिजॉल्व होकर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और कॉन्सेंट्रेशन अगर एसिड की ज़्यादा हुई तो इरिटेशन तो होगा ही होगा। सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है, और एसिड रेन के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल कैसे है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड जब वाटर में डिजॉल्व होगी या सल्फर डाइऑक्साइड H2O2 में डिजॉल्व होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, और सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिडिक है ही, तो रेन में वो सल्फर, हालांकि नाइट्रिक एसिड भी रेस्पॉन्सिबल होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी इसके लिए अच्छा खासा रेस्पॉन्सिबल है ना, एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये तो बात हुई सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में। अब बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते कैसे हैं? इंजन ऑयल्स में कंबशन होता है, पेट्रोल्स में इनमें कंबशन होता है, तो हाइड्रोकार्बन्स में जिन कंपाउंड्स में नाइट्रोजन भी है वो कंबशन होने के बाद में नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में जो यूज़ किया जाता है उसमें नाइट्रोजन होता ही होता है, बहुत कम अमाउंट में हो, लेकिन वहां भी कंबशन के कारण वे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से एयर में तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन अच्छे खासे अमाउंट में ही है भी, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर लाइट की प्रेजेंस में, लाइटनिंग की प्रेजेंस में, बहुत ज़्यादा जब आसमान में बिजली वगैरह ये कड़कती हैं उस केस में भी, उस तरीके स्पार्क में भी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एयर में किस तरह से आती हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड एयर में कैसे आए वो थोड़ा रिएक्शन के बारे में बात करें, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी लाइटनिंग की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में क्या बोलूँ, एनओ बोलूँ। ये एनओ ऑक्सीजन से हाईली रिएक्टिव है, एनओ स्टेबल नहीं होता है बहुत ज़्यादा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आता है, ये ओजोन से रिएक्शन करके भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में आता है, प्लस ओजोन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, डैमेज करता है प्लांट्स में लीव्स को, उनकी पत्तियों को डैमेज करता है, फोटोसिंथेसिस को डिक्रीज कर देता है, उसकी रेट को काफ़ी रिड्यूस कर देता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। लंग्स में भी इन्फेक्शन के कारण हो जाता है अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाए एयर में, तो एनिमल्स की या हम लोगों की लंग्स में भी इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फेक्शन न कहूँगा इरिटेशन हो सकता है, इरिटेंट हो सकता है। और लिविंग टिश्यूज़ के लिए तो मैंने बता ही दिया है कि ये काफ़ी नुकसान करती है, अगर पानी में भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स अगर डिजॉल्व फॉर्म में है तो बहुत ही नुकसान करने वाले होते हैं, नाइट्रेट्स भी बहुत नुकसान करते हैं, तो इनमें इनकी तो बहुत कम अमाउंट ही होनी चाहिए एयर में, ज़्यादा होंगे तो हार्मफुल होंगे ही होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनता है किस तरीके से, अगर कार्बन किसी कोल का या किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन ना हो, जैसे कोयला जलाया जाता है तो कंप्लीट कंबशन अगर ना हो तो उसमें सल्फर मोनोऑक्साइड गैस जो होती है उसमें सल्फर क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है वो तो मैंने बता ही दिया, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन से बनेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट उसके में कम होना चाहिए, कार्बन अनबर्न कार्बन के फॉर्म में रहेगा, मतलब कार्बन
कार्बन का कंप्लीट कंबशन ना हो तब कार्बन मोनोक्साइड बनती है। कार्बन मोनोक्साइड गैस अगर सांस में ली गई तो ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है, और हीमोग्लोबिन ही तो ऑक्सीजन ट्रांसफर का काम करता है मेनली, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस लेकर आता है लंग्स तक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाती है और ऑक्सीहीमोग्लोबिन में कन्वर्ट नहीं होने देती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ इतनी स्ट्रांग है कि ऑक्सीजन के साथ में देखो होगा क्या, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, बॉन्ड बनाता है, बाइंड होकर फिर वो सेल्स तक जाएगा ब्लड के थ्रू और सारी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, फिर सभी बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट के फॉर्म में डिजोल्व करके वापस लंग्स तक लाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा रेस्पिरेशन के थ्रू। लेकिन अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, और एक बार हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो गया तो काफ़ी देर तक या काफ़ी लंबे समय तक ये ऑक्सीजन को उस जगह नहीं आने देता, ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आके बैठ जाता। अब ऑक्सीजन सप्लाई ही नहीं होगी तो क्या होगा, एनिमल की डेथ ही होगी। तो आपने कभी सुना होगा, कई बार ऐसा होता है और आप लोगों को भी ऐसा नहीं करना है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बेचारे मजदूरों की, मैंने एक दो बार में ऐसी बात सुनी है, पढ़ी है पेपर्स में, कि चारों तरफ से तो बंद कर दिए, बिल्कुल रोशनदान वगैरह बंद कर दिए, खिड़कियां वगैरह बिल्कुल पैक कर रखी है, और अंदर जो होता है वो कोयला जलाकर, कोल जलाकर सो गए, सिगड़ी बोलते हैं जिसे, उसे जलाकर सो गए। जब कोयला जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन वहां जब अच्छी तरह से कंबशन ना हो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी बनती है। जब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अमाउंट धीरे 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 बढ़ने लगता है तो वो जो वहां बैठे हुए लोग जो सो रहे हैं जो लोग, उनके रेस्पिरेशन में, उनकी सांस में अंदर जाएगी जाएगी तो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। देखते देखते उनको पता भी नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सांस परेशानी होने लगेगी, बहुत अच्छी सी नींद आने लगती है और बस वो गहरी नींद में चले जाते हैं हमेशा के लिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरीके से नुकसान कर देती है। ठीक है, तो चलो मैंने बता दिया, हाँ तो ये बता ही दिया मैंने, बाइंड टू हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड टू ग्रेटर एक्सटेंट। ठीक है, वो तो बता ही दिया मैंने। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक का भी फॉर्मेशन ये करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वैसे तो पता ही है यार, किसी भी चीज़ को जलाओगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जला दिया जाएगा, कंबशन किया जाएगा तो अंत में तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। रेस्पायरेशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, हम लोगों से भी, प्लांट से भी अच्छी खासी अमाउंट में, और नेचर में ये ट्रोपोस्फेयर में मिलेगी, ऊपर नहीं होती, थोड़ी हैवी होती है। और कितनी है कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.03% के आसपास ही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ ट्रोपोस्फीयर पर है। ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। गैसियस पॉलिटेंट में फिर हाइड्रोकार्बन भी हैं, मीथेन वगैरह भी हैं जो कि गैसियस फॉर्म में हैं, और ये भी ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, मतलब H2O तो रिलीज करता है, H2O कोई पॉलिटेंट नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा होना पॉलिटेंट ही है, तो गैसेस पॉलिटेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक तो लिख लीजिए आप लोग, जल्दी से फटाफट लिखो, आगे के पॉइंट्स में बढ़ते हैं, फिर लिख लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्लोबल वार्मिंग ये वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बहुत पड़ने लगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ऐसा हो गया, कहीं पर स्ट्रॉम आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, कुछ इस तरह से हैं। तो ये कई कई तरह के इफ़ेक्ट्स हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, देखिए कुछ गैसेज हैं जो एटमॉस्फेयर में, उन गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन, देखो ग्लोबल वार्मिंग एक लेवल तक तो ठीक है ना, पर एक लेवल को जब क्रॉस करेंगे तो क्लाइमेट चेंज होगा। कुछ गैसेस हैं जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये याद करनी है। इनके क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, उसके बाद में ओजोन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड याद रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, वाटर वेपर्स भी हैं, CFC का मतलब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्लोरीन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के, ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन या फ्लोरीन लगा दी गई है, ये तो मैनमेड है सभी गैसेस, ये वाली गैसेस तो ये गैसेस रेस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। एक्चुअली होगा क्या कि इन गैसेस का कुछ ना कुछ अमाउंट तो एटमॉस्फेयर में होगा ही होगा, रेडिएशन आएंगी, रेडिएशन जब अर्थ पे आएंगी तो अर्थ का टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा जब वो एब्जॉर्व होंगी, कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो तो देखो बाहर से रेडिएशन आएंगे, कुछ रेडिएशन तो बाहर की लेयर में ही एब्जॉर्व हो जाएंगे, कुछ अर्थ से टकराएंगे और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएंगे, जब अर्थ से टकराती हैं और रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती हैं तो कुछ गैसेस उस हीट को जो होती है वो एब्जॉर्व कर लेती है, उसको इरेडिएट नहीं होने देती है, ये गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, इस कारण से टेम्परेचर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेयर का। अब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर एक लेवल तक तो इंक्रीज होना ही चाहिए ना, हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हुआ तो नुकसान तो होने चाहिए, मतलब होंगे ही, तो ये पहले पढ़ लो, जो मैंने बोला है वही मैंने लिखा है, लिखा हुआ है गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन लर्न कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड तो कहाँ से निकलती है भी बताया था ना, फॉसिल्स से तो निकलती हैं, फॉसिल फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, रेस्पायरेशन से होती है, और भी कई बार बर्निंग से, फॉरेस्ट में आग लग जाती जंगलों में वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी रिलीज होती है, वॉल्केनोज में तो खैर इतनी ज़्यादा नहीं होती, मीथेन, ओजोन तो एटमॉस्फेयर में है ही, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड फर्टिलाइजर से, और अभी मैंने बताया था पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से एटमॉस्फेयर में, वाटर वेपर्स भी हैं ही, CFC जो है वो हम लोगों ने बनाई है, मैनमेड है ये, जैसे आप लोगों का जो रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होती है, उनमें चिलिंग गैसेस के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है, CFC जो होता है अच्छे खासे चिलिंग गैसेस होती हैं जो कि गैसेस को, मतलब ये जो फ्रिज है या एयर कंडीशनर्स हैं इनमें यूज़ की जाती हैं, ये हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये गैसेस अलाउ सन रेज टू पास थ्रू, नहीं ये पढ़ लो यार, एब्जॉर्व करती हैं रेडिएशन को, इरेडिएट नहीं होने देती है, तो क्या होगा ग्लोबल में वार्मिंग होगी, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, पढ़ो, ग्लोबल वार्मिंग इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, और ग्लोबल टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर नियर अर्थ सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ये मैंने बता ही दिया ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और किस तरह से वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती है। अब टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा, कुछ तो नुकसान होंगे ही, तो इसमें दो चार पॉइंट लिख दिए हैं कि जो पोल्स हैं, पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रही है तो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी आपने नेचर के साथ छेड़छाड़ की और उसकी बैलेंसिंग चेंज हुई तो उसको बैलेंस करने के लिए, भाई इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज्ड है, आप लोग पढ़ चुके हो ओनली चैटेलियर प्रिंसिपल, उस इक्विलिब्रियम को अगर आप थोड़ा डिस्टर्ब करोगे तो वो उस डायरेक्शन में भागेगा कि वापस इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाए, है ना, वही सिस्टम या इकोसिस्टम के साथ में है, ये नेचर के साथ में है, इकोसिस्टम को कहीं आपने छेड़छाड़ की, चेंज किया या किसी भी तरह से वो चेंज हुआ तो वापस इक्विलिब्रियम बिठाने के लिए वो अपने आप को उसी दिशा में ढाल देता है, ढालने लगता है, हो सकता है वो ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए नुकसानदायक हो, तो पहले ही सावधान रहो। खैर कुछ चीज़ों पे हम लोगों का कंट्रोल है और कुछ पे नहीं है, जो होगा वैसे तो होता ही है, चलो बात चल रही है, आइस मेल्ट होगी तो सी लेवल इंक्रीज होगा, हो सकता है वो किसी छोटे मोटे लैंड्स के लिए अच्छा ना हो, है ना, इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज होगा तो कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा ही रह जाएगा,
कहीं पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो कहीं पर जो होंगे वो थंडर स्टॉर्म जो होंगे वो नुकसान करेंगे। इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब क्लाइमेट चेंज होता है तो इनकी ग्रोथ पर भी, क्योंकि हम लोगों के जो बॉडी में जो एंजाइम्स है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज में ही बढ़िया काम करते हैं। तो जिस एरिया में मान लो अभी तक हमेशा से ठंड पड़ती आई थी और वहाँ अब गर्मी पड़ने लगी, तो वहाँ की जो प्लांट्स हैं, वहाँ के जो एनिमल्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बीइंग है, उनकी ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, उनमें चेंजेस आते हैं। इंक्रीज इन्फेक्टियस डिजीज जैसे डेंगू है, मलेरिया है, और भी कुछ कुछ डिजीज हैं, वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है, गर्मियों में ही होते हैं। जनरली गर्मी से बारिश के टाइम आते हैं तभी तो मलेरिया या डेंगू होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से कुछ इस तरह के डिजीज भी इंक्रीज होने लगती हैं, जो कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए मतलब जो जिसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सुटेबल होता है। ठीक है, इसके बाद लेते हैं रेनी एसिड रेन की बात करेंगे। चलो यहाँ तक तो लिख लीजिए आप लोग, अब ये चैप्टर तो इसी तरह से चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाला चैप्टर नहीं है, थ्योरेटिकली चैप्टर है, लिख लो इसे।